नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 22 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में और आज हम पढ़ेंगे 21 मई और 22 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो दोस्तों भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उन्हें देश के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और 1984 से 1990 तक देश की सेवा की। 21 मई 1991 को एक मानव बम द्वारा श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और वह तमिलनाडु में एक अभियान में एक आतंकवादी द्वारा मारे गए थे, जिसके बाद वीपी सिंह सरकार के तहत केंद्र ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया है। दोस्तों तो ये क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और भोपाल में भी कहां से किया है दोस्तों, तो ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नदी उत्सव 2022 में खेती किसानी नदी की जुबानी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये मैपकॉस्ट के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैपकॉस्ट। और दोस्तों मैपकॉस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। सुन दोस्तों हमारा, लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश में विभाग का गठन कब किया गया था, तो ये 2020 में किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2021 का विमोचन किया है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो ये है श्री सुशील दोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, श्री सुशील दोषी। और दोस्तों श्री सुशील दोषी का जन्म कहां पर हुआ था, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में हुआ था। कब हुआ था, 1943 में हुआ था। और दोस्तों इनको 2016 में देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सुशील दोषी जी की, तो इनका जन्म 1943 में इंदौर में हुआ था और सुशील दोषी ने 300 से अधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैच यानी वनडे, 60 से अधिक टेस्ट मैच और 9 क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाया है और इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स का नाम सुशील दोषी के नाम पर रखा गया है। और देखिए इनको 2016 में दोस्तों हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अभी इन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशिया ट्रेवल और टूरिज्म एक्सचेंज 2022 में मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, तो ये श्रीपद नायक ने किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों श्रीपद नायक कौन है, तो ये हमारे देश के केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है, ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीपद नायक कौन है, ये केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है। अश्विनी वैष्णव दोस्तों हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर है, उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री है और प्रहलाद सिंह पटेल दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। तो देखिए दोस्तों 18 मई 2022 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशिया ट्रेवल और टूरिज्म एक्सचेंज 2022 में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन किया। टूरिज्म बोर्ड के इवेंट्स एंड मार्केटिंग उप निदेशक युवराज पडोले ने बताया है कि इस वर्ष हमारे मध्य प्रदेश स्टॉल का साइज बढ़ाने के साथ सूचना संचालित दृष्टिकोण के साथ सभी आगंतुकों को पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जा रही है। विश्व स्तर पर यात्रा व्यापार मेलों में आमने सामने बैठकों, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच नेटवर्किंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण वार्षिक अवसर है। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यात्रा पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन बोर्ड के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों एवं पेशेवरों के लिए एक व्यापक B2B प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है
और यह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप खरीदारों और पेशेवरों को एकत्र होने और व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के साथ साथ लेपर्ड स्टेट तथा घड़ियाल स्टेट का भी गौरव प्राप्त है। यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर देखने से लेकर खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों में वास्तविक भारत को खोजा जा सकता है। और दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची स्तूप है। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 1989 में। उसके बाद दोस्तों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के धनंजय दुबे ओलंपिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के धनंजय दुबे ओलंपिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों ग्वालियर के मुख्य बाधिर टेनिस खिलाड़ी धनंजय दुबे ने 24वें ओलंपिक्स खेलों की टेनिस प्रतियोगिता के युगल वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत को टेनिस में रजत पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ब्राजील के कैक्सियास डोसुल में चल रहे ओलंपिक्स की टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल के फाइनल में 24 वर्षीय धनंजय दुबे व तमिलनाडु के पृथ्वी शेखर की भारतीय जोड़ी को गत ओलंपिक्स की स्वर्ण पदक विजेता और इस बार की शीर्ष वरीयता प्राप्त फ्रांस के मिखाइल एलिक्स लॉरेंट और विंसेंट नोवेल्ली की जोड़ी ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय कैनो मैराथन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों, तो ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वितीय स्थान। और दोस्तों यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई है, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की छोटी झील में आयोजित की गई है। तो देखिए 10वीं राष्ट्रीय मैराथन व राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस में मध्य प्रदेश ने 16 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है और वहीं भारतीय पुलिस टीम ने 21 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय तथा टास्क फोर्स का गठन किया है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों इसी में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, तो टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, तो ये होंगे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस। तो देखिए राज्य शासन ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय तथा टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने और सतत मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के शीर्ष निकाय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष है दोस्तों। स्तरीय टास्क फोर्स में मुख्य सचिव अध्यक्ष है और कार्यकारी संचालक मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड सदस्य सचिव है दोस्तों। मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना परीक्षण समिति का गठन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कमल पटेल कृषि मंत्री है, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। तो दोस्तों राज्य शासन ने हमारे मध्य प्रदेश में गेहूँ एवं धान के रकबे तथा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के कारण गेहूँ एवं धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्चे में वृद्धि, प्रदेश में पर्यावरण असंतुलन की परिस्थिति में मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना परीक्षण समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस विभाग ने रीजनरेटिव कृषि को स्थापित करने के लिए IDH इंडिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, तो ये कृषि विभाग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृषि विभाग। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री कौन है, कमल पटेल है। खेल विभाग की मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है। गृह विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा है। और ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है, प्रद्युम्न सिंह तोमर है। तो देखिए दोस्तों 20 मई 2022 को मंत्रालय में रीजनरेटिव कृषि को स्थापित करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विभाग और IDH के बीच एक MOU साइन हुआ है और संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल और IDH की ऑपरेशनल हेड जसमीर डिंगरा ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने बताया है कि MOU का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि एवं किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्राकृतिक खेती से वर्तमान में किए जा रहे रसायनों के उपयोग को नियंत्रण किया जा सकेगा और एमओयू के अनुसार कार्यक्रम के लिए मार्च 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। एमओयू के मुख्य घटक कौन कौन से है दोस्तों? प्रोडक्शन, संरक्षण और समावेश है। प्रोडक्शन में उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, कृषकों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि पर जोर दिया जाएगा। संरक्षण में मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, प्रबंधन, जैव विविधता एवं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए काम किया जाएगा। संचालक श्रीमती मैथिल ने बताया है कि एमओयू में लॉर्ड्स फाउंडेशन, WWF और IDH मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 1,00,000 किसानों के साथ मिलकर 3,00,000 हेक्टेयर भूमि में रीजनरेटिव कृषि को स्थापित करने का कार्य करेंगे। उत्पादकों के बेहतर विपणन के लिए इसे बाजार से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। छिंदवाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिले में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अलग अलग सहयोगियों के साथ मिलकर किया जाएगा। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से है? तो महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। ये कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मुहाना इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कालीसिंध, पार्वती, बनास और छिपरा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, छिपरा नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगर मैप में देखें हम तो ये हो गई यमुना नदी, ठीक है, और ये हो गई हमारी चंबल नदी। तो ये छिपरा नदी इसकी सहायक नदी होगी, कालीसिंध, बनास, ठीक है, पार्वती, कुनो, ये इतनी होगी इसकी सहायक नदियाँ। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? तो एक चंबल, सिंध, बेतवा और एक के नदी। चंबल नदी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है चंबल नदी। और जो राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना थी कौन सी? गांधी सागर, ये चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है, ठीक है। और चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। और चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है, वो चंबल नदी पर ही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह है 18 मीटर ऊंचाई है। और चंबल नदी को राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो कामधेनु बोलते हैं, ठीक है। नदियाँ एवं उनके प्रवाह की दिशा देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती बहती थी, मतलब इस ओर। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ मात्र दो है, एक तो बेनगंगा बहती है और एक वर्धा बहती है। इस नदी पर कौन सा शहर बसा है? मतलब नदी पर मंडला, ठीक है, और एक होशंगाबाद भी नर्मदा नदी पर है, मंडलेश्वर भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और बात करें जबलपुर की भी, ये भी नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर भी, महेश्वर भी, ठीक है, और निमाड़, बड़वानी हो गया, तो याद रखिएगा, और एक अमरकंटक भी है, यहाँ से तो निकलती ही है, ठीक है, तो अनूपपुर। और चंबल की बात करें तो एक तो श्योपुर हो गया, महू, रतलाम, ठीक है, और कौन सा? मुरैना, विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, और गुना भी बेतवा नदी के किनारे है, सांची भी बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो याद रखिएगा पार्वती नदी की, तो एक तो शाजापुर हो गया और एक सीहोर, दो डिस्ट्रिक्ट पार्वती नदी के किनारे है। और जो मंदसौर है वो सीमना नदी के किनारे है। और देवास कालीसिंध नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवास कौन सी नदी के किनारे है? कालीसिंध नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा। और बात करें हम मुलताई, तो ये ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, मुलताई से ही निकलती है ये। और उज्जैन छिपरा नदी के किनारे हो गया, ठीक है। और बात करें हम बेनगंगा, तो बालाघाट जो है बेनगंगा नदी के किनारे है, और इंदौर खान नदी के किनारे है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ग्वालियर है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो प्रायद्वीपीय होती है, तो याद रखिएगा। और नदियों का मायका किस प्रदेश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? तो ये 1,077 किलोमीटर में। वैसे उसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात नहीं बनाती है? कौन सा जलप्रपात नहीं बनाती है? कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, दुग्धधारा जलप्रपात भी बनाती है, धुआधार जलप्रपात भी बनाती है, केवटी जलप्रपात नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो कौन सी बहती है? ये ताप्ती नदी बहती है, हमने देखा था मैप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल है वो चूलिया झरने में गिरता है? तो ये चंबल नदी का जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो ये काटती है माही नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये सीपरा को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये तवा नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? तो ये किसका था? चंबल का था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चंबल नदी।
मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण की ओर बोला है तो सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, और केन नदी भी कहाँ बहती है तो ये उत्तर की ओर बहती है, बेनगंगा किधर बहती है तो ये दक्षिण की ओर बहती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है तो ये पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? ठीक है, उत्तर की ओर नहीं बहती है, सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, चंबल नदी भी उत्तर की ओर बहती है, और बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच डी सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर या डॉक्टर राजबली पांडे? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।